बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां भाजपा विधायक के बेटे पर गला दबाकर पिटाई करने का आरोप लगाया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को तुरंत जाम कर दिया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही गुंडई एवं अपराधों पर रोकथाम के दावे कर रहे हों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए महाअभियान चला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाजपा विधायक के बेटे पर एक व्यक्ति को मामूली विवाद में सरेआम सड़कों पर घुमा घुमा कर पीटने और गला दबाकर तालाब के किनारे फेंक देने का आरोप लगाया गया है। आरोप बेहद संगीन है। पीड़ित के साथ गुस्साए ग्रामीणों ने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने उन्हें उल्टा धमकाकर भगा दिया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पलिया स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। फिलहाल भाजपा विधायक का कहना है कि शराब पीने से मना करने के फलस्वरूप राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर उनके बेटे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। सच क्या है यह तो पुलिस ही बताएगी। हमारे साथ संवाददाता है अरविंद त्रिपाठी, जो बता रहे हैं इस बात की पूरी जानकारी। देखिए यह विशेष खबर, जिसमें पीड़ित गंगा सागर के भाई का क्या कहना है। वहीं दूसरी तरफ विधायक चेतराम ने और सीओ सिटी शाहजहांपुर प्रवीण कुमार यादव ने भी अपनी बात कही है। विधायक जी का बेटा चेतराम विधायक कुमार जी का बेटा नीरज और चार पांच लोग और अपने कार्यालय से आए। उसने पूछा तू यहाँ कैसे बैठा, उसने कहा अपने दुकानों के पास बैठे। इतने उसने ग्रोवान पकड़ के उसे भड़कने लगा, मारने लगा, अपने कार्यालय खींच के ले गए। वहाँ पे उसने मारा पीटा, उसके बाद गला दबाया, गला पूरा हमारे चचेरे भाई का निशान है। उसके बाद तालाब में फेंकने की कोशिश करी, बेहोश हो गया तो हमारे भांजा दौड़ के बचाया देगा, जैसे बोला फिर नीरज ने खींच कर वहाँ से लेके अपने घर तक मारते हुए ले जाए ले गए। तो हम लोग जब तक आए तब तक भाग गया था। हम लोग थाने गए, थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब हम लोगों ने मजबूरी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। पुलिस ने अभी आश्वासन दिया है कि FIR आपकी हम दर्ज करेंगे। बस जी बताए, इससे पहले भी विधायक के बेटे ने कई बार मारपीट घटना को अंजाम दिया, पुलिस कार्रवाई अगर ऐसे। अभी एक साल पहले यहाँ हर्षवर्धन जी बेटे हैं, उनके ऊपर बेटे ऊपर फायर कर दिया था। अभी एक उमा शंकर बेटा है, उनके लड़के को मारा। बहुत ढाबा है सिंदौली में, वहाँ गुंडागर्दी करी, अभी वसूली करी। एक महिला दरोगा जी है, उन्हें उनको मारा, मतलब चरम पे गुंडागर्दी। जब से विधायक बने विधायक जी, तब से इनका बेटा आसमान चल रहा और जमीनों पर भेद कब्जा कर रहा, आए दिन गुंडागर्दी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है? कल एक लड़ाई झगड़ा हो गया था यहाँ पे दो कुत्तों में, और उसी को लेकर के FIR की बात थी। तुरंत पुलिसिया कार्रवाई कराई जा रही है इस चीज़ पे, ये जाम से झूठा आरोप है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, हमारा कार्यालय चिनौर में है, जहाँ पे जाम लोग जनता आती है गाँव क्षेत्र की, हम वहाँ समस्याएँ सुनते हैं। उसी के किनारे कार्यालय के बिल्कुल ये दुकानें बनी हैं, तो रोड के किनारे फुटपाथ पे दिन में एक खोखे लग जाते हैं ना, तो खोखों के आड़ में ये गांव के आसपास के जो कुछ तत्व हैं वहां पर आके शराब पीते हैं। वहां माताएं बहनें सब निकलती हैं, मेन रोड है। कल मैंने दिन में 5 बजे एक वहां ठेला लगा था, मैंने कह दिया भैया एक साइड में लगा लो, और यहां पर तुम लगाते हो, भीड़ होती है शाम को, यहां पर आके लोग यहां शराब उराब पीते हैं, कोई ऐसा नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, साधारण तरीके थे। और उन्होंने गंगा सागर को बताया, गंगा सागर ने शाम को आके वहाँ पर 2 आदमी बैठा दिए, नहीं 5 आदमी, पाँच थे, पाँच लोग गांव के वहाँ पर, मतलब मेरे कार्यालय और घर के बीच में 50-100 मीटर की दूरी है। हाँ। उनकी दुकानों के बीच में खुलेआम वो शराब पी रहे थे, पांचों लोग बैठ के, ताकि मैं वहाँ से निकलूँ। तो हमारे बेटा ने वहाँ मना किया, भैया रोड पे क्यों शराब पी रहे हो, साइड में अंदर बैठ के पी लो। और फिर कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिवस, वैसे ही ये उनको साधारण तरीके से इन्होंने समझा दिया। वो हमारे बेटा पे मारपीट के लिए आमादा हो गया, इनके 2-4 हाथ मार दिए, बचाव में एक आध इन्होंने भी फिर हाथ चलाए, ये अकेले थे, वो 7-8 लोग थे। तो उसके बाद रात में ये पूरा राजनीतिक साजिश के तहत पूरे गांव में इन्होंने 10-20 लोग बुला के और मेरे दरवाजे पे आके नारेबाजी करने लगे। मैंने समझा के भेजा, हमने देखो आराम से जाओ, कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप बबेला बना रहे हो ना, अगर कोई सही बात कही है बेटा ने कही है तो गलत नहीं कहा। दिन में 4 बजे मैंने भी कहा था कि यहाँ खोखा लगते हैं, रोड गिर जाता है, ये रोड सार्वजनिक है जनता के लिए है, अब आप रोड के ऊपर खोखा लगा के वहाँ पर आप शराब पिलाते हो,
ये गलत बात है, यह असामाजिक है, जनता के हित में नहीं है। कोई मैंने गलत काम नहीं किया, एक अच्छी बात कही और उसको इन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक तमाशा कर रहे हैं, रोड जाम करना, ये वो, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। ये बिना मतलब में एक हमको बदनाम करने की एक गलत साजिश है। और रात में भी आने के बाद पूरी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग में वो आ रहे हैं। हाँ, उनके पीछे जो उनके लड़के हैं अड्डे लेके दौड़ रहे हैं। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।